हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ई लर्निंग क्लासेस ऑफ पी एन एम आर सी हाई स्कूल। एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग चैप्टर 3 गेम्स वी प्ले एंड वी आर लेफ्ट आउट ओनली विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ 3 पैराग्राफ्स एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज लोकल गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू ओपन योर टेक्स्ट बुक्स एंड कम ऑन पेज नंबर 23। On page number 23, we have to start with the second paragraph. So, let's start with the explanation. In our previous video, we studied about some local games and sports, which were martial arts, archery, I can say gymnastic, aerobics and so on. हमने हमारी लास्ट वीडियो में अलग अलग जगह के कुछ अलग अलग गेम्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से मार्शल आर्ट भी था, हिमाचल प्रदेश की आर्चरी के बारे में पढ़ा, देन वी स्टडीड अबाउट जिमनास्टिक परफॉर्म्ड बाय एक्रोबेट्स, जिसमें वो लोग हेड स्टैंड करते हैं, कार्ट व्हील्स करते हैं, टाइट रोप पे वॉक करते हैं एंड सो ऑन। नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द एक्सप्लेनेशन फर्दर। द ट्रेडिशनल इंडियन फॉर्म ऑफ रेसलिंग इज नोन एज कुश्ती। अगर हम उसको ट्रेडिशनल फॉर्म में रेसलिंग को अगर हम बोले तो उसको क्या बोला जाता है? कुश्ती। वाइल रेसलर्स आर कॉल्ड पहलवान्स, ट्रेडिशनली रेसलर्स इन इंडिया ट्रेन इन अखाड़ास। हम रेसलर्स, जो लोग रेसलिंग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पहलवान्स। और ट्रेडिशनली जो रेसलर्स होते हैं उनको हम कहाँ ट्रेनिंग देते हैं, या उन लोगों की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? अखाड़े में। इफ़ आई गिव यू एग्जांपल, आप सबने सुल्तान मूवी तो देखी ही होगी, तो उसमें जो सलमान खान रोल प्ले कर रहे हैं दैट इज़ ऑफ रेसलर। और उनका जो जहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है, एक ओपन ग्राउंड होता है, बहुत सारी मिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं अखाड़ा। और जो रेसलर है, जैसे कि सलमान खान खुद है, उन्हें हम अगर ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे? पहलवान। और इस गेम को रेसलिंग की जगह क्या माना जाता है? कुश्ती। रेसलर्स हैव अ स्ट्रिक्ट डाइट विच इज़ मोस्टली वेजिटेरियन। और ये जो रेसलर्स होते हैं उनको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ती है, और मेनली क्या होती है वो डाइट? वेजिटेरियन। दे ओबे ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ देयर गुरु और टीचर। जो रेसलर्स होते हैं वो अपने गुरु या टीचर के सारे इंस्ट्रक्शंस, जैसा वो बताते हैं वैसे उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। Even after their training is completed, the guru occupies an important position in their lives. मतलब जब इन wrestlers की training ख़त्म हो जाती है या वो अपने set किए हुए goal पे पहुँच जाते हैं, तो भी उनके लिए guru की जगह बहुत अलग और बहुत important होती है। This is known as गुरु शिष्य परंपरा। और इसको क्या बोला जाता है? गुरु शिष्य परंपरा, मतलब गुरु और शिष्य के बीच के रूल्स, परंपरा जो फॉलो होती है। चंगदी राम एंड धारा सिंह आर सम फेमस इंडियन रेसलर्स। हमारे इंडियन रेसलर्स के जो दो फेमस लोग हैं उनका नाम है धारा सिंह और चंगदी राम। आपको एक फ़ोटो तो बाजू में दिखेगी। और धारा सिंह काफ़ी मूवीज़ में भी आए हैं, इवन वो उसमें महाभारत और इसमें भी उन्होंने काफ़ी अलग अलग रोल्स प्ले किए हैं। अदर ट्रेडिशनल स्पोर्ट दैट पीपल इन इंडिया एन्जॉय आर बोट रेसेस एंड बुलक कार्ट रेसेस। और भी बहुत सारी गेम्स है जो, या स्पोर्ट्स है जो इंडिया में लोग खेलना पसंद करते हैं या एंजॉय करते हैं। कौन कौन सी है? एक तो बोट रेस और दूसरी बुलक कार्ट रेस। चेस एंड अदर बोट गेम्स लाइक पचीसी डेवलप्ड इन इंडिया एंड कंटिन्यू टू बी पॉपुलर। मतलब बोर्ड गेम्स, जो गेम्स बोर्ड पे होती है, या तो जो गेम्स यू कैन से घर पे बैठ के भी आप लोग खेलते हो बोर्ड्स पे, जैसे कि लूडो है, चेस है, ये सारी गेम्स भी लोग खेलते हैं और हमारे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। ग्रेजुअली हाउएवर ट्रेडिशनल गेम्स आर बीइंग रिप्लेस्ड विद मॉडर्न वंस। पर आजकल क्या हो गया है, जो हमारी पुरानी गेम्स थी, जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स थी, उसको मॉडर्न तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं, तो वो सब बहुत ही चेंज होता जा रहा है। चिल्ड्रन प्रेफर टू प्ले गेम्स ऑन कंप्यूटर,
लैक ऑफ स्पेस इज़ वन रीज़न फॉर दिस। आजकल लोगों को या आप सबको बाहर जाके खेलना अच्छा ही नहीं लगता, या तो आप लोग मोबाइल्स पे गेम्स खेलते रहते हो या तो आप कंप्यूटर्स पे गेम खेलते रहते हो, तो आप लोगों को इन सब गेम्स के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जगह की बहुत कमी हो गई है, एज इन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है और जो गेम खेलने के लिए जो ग्राउंड्स है वो कम होते जा रहे हैं, वहाँ पे जगह कम होती जा रही है। आस्क योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट गेम दे प्लेड इन द फ्री टाइम, डू यू प्ले द सेम गेम्स नाउ। मतलब अगर आपको कभी टाइम मिले तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करो, उनसे पूछो कि वो अपने टाइम पे कौन सी गेम्स खेला करते थे, और फिर आप देखो कि क्या वो गेम्स आप अभी भी खेल रहे हो। Have you played or seen any of the traditional games mentioned in this chapter? Name them. मतलब इसमें जितनी भी गेम्स के बारे में हमने पढ़ा, ट्रेडिशनल गेम्स के बारे में, क्या उसमें से कभी आपने कोई भी गेम खेली है? If yes, then you have to name them. This was all about the explanation of your chapter. So my dear students, here we have completed the explanation of chapter 3. गेम्स वी प्ले। अब आप सबको ये चैप्टर एक बार अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर की जो PDF आएगी उसे अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में कॉपी करना है, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप उसे मार्क कर दोगे, जब आपकी डाउट सेशन होगी तब आप उसमें मुझसे पूछ सकते हो। वी आर गोइंग टू मीट वेरी सून विथ अ न्यू चैप्टर, टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, keep completing your notebooks, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.